ओम शांति। आज की तारीख है 20/11/22 और आज की ज्ञान मुरली प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की तारीख है 20/12/92 माना 92 की मुरली है। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। मीठे मीठे बाप दादा बोले आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाप समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा ये अंतर नहीं किया, सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों, कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने। सर्व नहीं, कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने, कोई ब्राह्मण आत्मा अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से विजय समय जिस समय जिस शक्तियों को ऑर्डर करते हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले कि चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं में ऑर्डर चलाने वाले सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं सदा हर कर्म में याद का स्वरूप हो, अनुभव करने वाले और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में संबंध में संपर्क में ऐसे सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सदाशिव बाबा का देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण भी विशेष है, कलाएं भी विशेष है, कोई शक्ति भी विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार नशा रोग ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी
सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।